दोस्तों आज मैं आपके लिए कराया हूँ एक्सेल का एक और शानदार वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक्सेल में प्रोग्रेस चार्ट को कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अपनी रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप कई सारे ग्राफ और चार्ट का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी प्रोग्रेस चार्ट का यूज किया है? आज की इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे एक प्रोग्रेस चार्ट बनाकर अपनी रिपोर्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आप ये बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट जरूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश तोमर, आप सभी का अपने चैनल बिग टेक ज्ञान पर स्वागत करता हूं, और यहां मैं आपके लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर जुड़े टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक केपीआई डेटा शीट है, जिसके अंदर ओई, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और 5S का यहाँ पर स्कोर दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही मैं स्कोर को चेंज करता हूँ तो आप नीचे देखेंगे जो प्रोग्रेस बार ग्राफ है ये चेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पर 80 को 70% करता हूँ तो आप देखेंगे ये यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप अपनी रिपोर्ट में इसको ऐसे तरीके से बनाते हो। देखो यहाँ पर ऐसे मैंने प्रोडक्टिविटी को चेंज करा, ऐसे ही मैं यहाँ पर इसको 85% करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोग्रेस बार मेरा यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये कैसे बनाते हैं मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, आप बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मैंने ये डेटा यहाँ पर ले लिया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोग्रेस बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पर जो मेरा डेटा था, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो बार है ये 100% है, और यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है इसके ऊपर, यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 70% यहाँ पर हो रहा है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेना है कि ये 90% रिजल्ट है, तो 100 में से इसको हम पहले माइनस कर लेते हैं कि हमारा गैप क्या रहा है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर इक्वल लगाएंगे 1 माइनस, और ये ले लेंगे तो यहाँ पर ये आ गया। तो ये पता रहेगा कि हमारा 10% गैप रह रहा है, 90% हमने अचीव कर लिया है। तो ये डेटा आ चुका है, उसके बाद हमें यहाँ पर ये प्रोग्रेस बार बना लेना है। तो इसके लिए हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, और डेटा को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के बाद आप चार्ट पर चले जाइए। चार्ट पर जाने के बाद आप 2D बार को ले लीजिए। 2D बार है ये, देखिए आपका प्रोग्रेस बार ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से ग्रिड लाइंस को हटा देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो एक्सेस है यहाँ पर 120% यहाँ पर आ रहा है, तो इस पर राइट क्लिक करें और उसके बाद फॉर्मेट एक्सेस पे चले जाएं। यहाँ से आप इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसको 0 ही रहने दें, और यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको 1 कर दें, जिससे कि आप 100% यहाँ पर शो कर पाएं। तो देखेंगे आप जैसे ही यहाँ पर 1 करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट करें। सीरीज 1, सीरीज 2 जो ये नीचे दिख रहा है आप इसको भी यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करें, होम पे जाएं, और यहाँ से आप इसको बोल्ड कर दें, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लें। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर KPI में सबसे पहले OE है, लेकिन यहाँ पर 5S स्कोर है, तो हमें इसके सिक्वेंस को सही करना है। तो आपको करना यह है, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट एक्सेस में यहाँ पर नीचे कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, इस पर आप टिक लगा दें। तो आप देखेंगे यहाँ पर OE है, यहाँ भी अब OE आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को आपको अगर हटाना है तो आपको फॉर्मेट में ही जाना है, सेप आउटलाइन पर जाना है, और यहाँ से आपको नो आउटलाइन पर क्लिक करना है। तो अब देखेंगे यहाँ से आउटलाइन हट चुकी है। इस वाली शीट में आप देखेंगे यहाँ पर ये पीछे का जो था ग्रिड लाइंस हमने हटा दिया था, तो इस ग्रिड लाइंस को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से क्लिक करें और व्यू में जाएं, यहाँ से ग्रिड लाइंस पर आप अनचेक कर दें तो ये हमारी ग्रिड लाइंस यहाँ से हट जाएंगी। अब इसके ऊपर क्लिक करें, चार्ट टाइटल के ऊपर फॉर्मेट में जाएं और इसकी सेप आउटलाइन पर जाके इसकी नो आउटलाइन करते हैं, तो इसका भी आउटलाइन यहाँ से आप हटा पाएंगे। अब हमें यहाँ से इस डेटा को भी हाइड करना है, तो इस पर क्लिक करें, यहाँ पर जाएं और यहाँ से आप इसको वाइट कलर दे दें, तो आपका ये डेटा यहाँ पर शो नहीं होगा। अब फाइनली अब हमें यहाँ पर इसका टाइटल दे देना है, तो टाइटल हमारा है KPI, तो यहाँ पर आप लिखते हैं KPI। उसके बाद इसको बोल्ड करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप बोल्ड कर दें इसको, इसका कलर दे दें। तो कलर के लिए मैं यहाँ से इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये हमारा हो चुका है। इसके भी कलर को हम ऑटोमेटिक ही दे देते हैं, तो ये भी हमारा हो चुका है। अब हमें OE पे क्लिक करना है और इस वाले पे डबल क्लिक करना है जो हमारा रिजल्ट अचीव हो रहा है OE का। उसके बाद हमें फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाने के बाद आपको सेप स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसका कलर लेना है ये वाला। तो ये डेटा सेलेक्ट कर लिया है, ऐसे ही आपको इस पर डबल क्लिक करना है और इसका कलर ले लेना है हमें, प्रोडक्टिविटी का कलर जो हमने यहाँ पर लिया है, तो हम इसको ले लेते हैं। ऐसे ही क्वालिटी पे डबल क्लिक कर लेना है और इसका भी हमें कलर ले लेना है, तो ये हमने ले लिया है। ऐसे ही 5S स्कोर को हम कर लेते हैं, ये हमने कर लिया है। अभी यहाँ पर देखेंगे हमारा जो
यहाँ पर हमने इसके डेटा लेवल्स दिखाए हुए थे, तो हम यहाँ पर भी डेटा लेवल्स को ऐड कर लेते हैं। इस पर ऊपर क्लिक करें जो हमारा रिजल्ट अचीव हुआ है, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस आइकन क्लिक करना है और डेटा लेवल्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये हमारा आ चुका है। उसके बाद इस लेवल्स के ऊपर क्लिक करें और इनको होम पे जाके इनके फॉन्ट का कलर देते हैं वाइट, और यहाँ से इनको बोल्ड कर दें और थोड़ा सा इनका फॉन्ट साइज को यहाँ से बढ़ा दें, तो डेटा कुछ हमारा यहाँ से इससे मैच करता हुआ आपको दिख जाएगा। अब फाइनली हमें ये जो कलर है, जो बेस लाइन है इसका, जो हमारा 100% है, उसको हमें चेंज करना है। तो अब यहाँ पर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे और यहाँ पर आपको कलर ले लेना है इसका ग्रीन ही, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम कर देते हैं 65%। ऐसे ही हम इन सबको ले लेंगे, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे इसके नीचे वाले पर, और फिल सॉलिड फिल पे जाएंगे, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और इसमें कलर ले लेंगे, और यहाँ पर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 65%। ऐसे ही हमें इस पर जाना है, तो देखिए हमारा डेटा रेडी हो चुका है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पर ओई को चेंज करता हूँ, ओई को मैं 80% करता हूँ, तो यहाँ पर ओई का जो प्रोग्रेस बार है वो चेंज हो रहा है। ऐसे ही जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पे 70% करता हूँ, तो ये भी हमारा चेंज हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्रोग्रेस बार ग्राफ को बनाकर अपनी रिपोर्ट को काफ़ी शानदार लुक दे सकते हैं। इससे आप अपने डेटा को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का ये वीडियो देखकर आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे कि प्रोग्रेस बार चार्ट को कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।